एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड मोस्ट एक्साइटिंग जिस चीज का आपको वेट है, हैव आई गॉट प्लेस टिल नाउ? हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आप लोगों की साइड से मुझे बहुत बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सिमरन प्लीज आप अपने रिव्यू पे वीडियो बनाओ एंड अपने एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाओ कि अभी तक का आपका एमएटी में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो गाइस, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो दिस साइड सिमरन। सो गाइस, मैं ऑलरेडी एमबीए की स्टूडेंट हूँ इन एमएटी ऑनलाइन एंड दिस इज माई सेकेंड सेमेस्टर करेंटली एंड इट्स बीन 8 to 9 months सिंस आई गॉट एनरोल्ड इन एमएटी ऑनलाइन। एंड आज की वीडियो में मैं डिटेल्ड में अपना रिव्यू बताने वाली हूँ एंड डिटेल में मेरा एक्सपीरियंस जानेंगे कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इन लास्ट 8 to 9 months मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम बात करेंगे यहाँ पर एंड कुछ अच्छी चीजों के बारे में मैं बात करूंगी, कुछ बुरी चीजों के बारे में बात करूंगी, कहाँ कहाँ मुझे कुछ अच्छी चीजें लगी, कहाँ कहाँ मुझे कुछ बुरी चीजें लगी, कहाँ कहाँ मुझे कुछ दिक्कतें आई, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि ऑल प्रोज एंड कॉन्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच यूजफुल कॉन्टेंट। एंड बिना किसी देरी के वीडियो का देख लेते हैं एजेंडा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सारे ही ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे जो कि मुझे पर्सनली फील हुई हैं एज एन ऑनलाइन एमबीए स्टूडेंट ऑफ एमएटी ऑनलाइन। एंड सेकेंडली हम देखेंगे व्हाई टू चूज एमएटी एंड उसके बाद हम देखेंगे व्हाई नॉट टू चूज एमएटी एंड उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड मोस्ट एक्साइटिंग जो कि जिस चीज का आपको वेट हैव आई गॉट प्लेस टिल नाउ, मुझे किसी टाइप की प्लेसमेंट मिली है या फिर नहीं, ये तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग टू एंड वीडियो में बने रहना। तो फिर चलते हैं वीडियो में। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं यहाँ पर बात करूंगी, ठीक ठाक मेरा एक्सपीरियंस रहा आप कह सकते हो। अगर मैं LMS की बात करूं, अमीगो पोर्टल हल्का सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा था, बट मैंने फिर अपना जब समझी चीजें तो फिर मुझे ठीक ठाक लगा। बट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा जो LMS पोर्टल था ना वो थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा, मतलब उस टर्म्स में लग रहा था, कुछ डिफिकल्ट सा मुझे लग रहा था। अब स्लोली एंड स्टडीली जैसे जैसे मैंने पढ़ाई शुरू करी, जैसे जैसे मैंने अपना पोर्टल के बारे में देखना शुरू करा तो फिर मुझे ठीक ठाक लगा। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रॉपर अपना ट्यूटोरियल्स भी बनाया। अगर आप अपना एमएटी ऑनलाइन में अपना आ रहे हो तो फिर आप वो वाली वीडियोस को सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सबको समझा रखा है। उसके बाद आते हैं कि एमएटी के लेक्चर्स कैसे लगे। देखो, मैं सच में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर बात करूंगी, मैंने अभी तक सिर्फ मान सकते हो कि मैंने सिर्फ एक या दो लेक्चर्स देखे होंगे। अपना मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपना बता रखा है कि मैं जनरली ज्यादा जो पढ़ने के लिए अपना प्रेफर करती हूँ वो बुक्स होती हैं। मैं ज्यादा मेरे को वीडियोस से पढ़ना या फिर कोई अपना लैपटॉप से या स्क्रीन से या फोन से पढ़ना मुझे ऐसा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। मेरे को बुक्स से पढ़ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं स्टार्टिंग से अपना बुक्स को प्रेफरेंस अपना ज्यादा देती आई हूँ। तो लेक्चर्स आप कह सकते हो जहां तक मैंने अपना एक दो लेक्चर्स देखे भी हैं ठीक ठाक है, बाकी जहां तक मैंने अपने लेक्चर्स देखे हैं ठीक ठाक है। आप कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को जो कुछ इंग्लिश में लेक्चर्स देखे तो प्रॉपर इंग्लिश वाले लेक्चर्स भी हैं। इंग्लिश आप कह सकते हो कि हिंदी प्लस इंग्लिश जो मिक्स जो व्हाट्सअप लैंग्वेज होती है ना जो हमारी, तो वो ऐसे लेक्चर्स हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड है। आप कह सकते हो लेक्चर्स ठीक ठाक है। लेक्चर्स के साथ मुझे जो एक अच्छी चीज आप कह सकते हो, अच्छी चीज मुझे ये लगी कि लेक्चर्स जहां पर हमारे कंडक्ट होते हैं, लेक्चर्स के साथ में हमारा एक AI प्रोफेसर है जो कि हमारा मतलब 24/7 हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड कभी भी हमें कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में कोई डाउट होता है तो हम अपना AI प्रोफेसर से अपना इंटरेक्ट करके अपने सारे डाउट्स एंड अपना क्वेरीज को ऑन द स्पॉट अपना क्लियर करवा सकते हैं। मतलब एक ChatGPT जैसे समथिंग होता है ना, जैसे AI है वो, तो वो अपना काफी हद तक आपको हेल्प करेगा इन योर डाउट्स एंड क्वेरीज। तो वो चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। और एक छोटी सी चीज जहां पर मुझे कमी लगी, जब मेरा एडमिशन हुआ था इन द मंथ ऑफ जून 2023 तो जो मेरी बुक्स थी ना वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, लाइक मतलब 20 to 25 days अपना डिले हो गया था। लाइक हमारे जो काउंसलर थे वो मैं बोल रहे थे कि 15 days में मतलब आ जाएंगी, बट मेरे टाइम पे मेरे को थोड़ी सी मेरी बुक्स लेट मिली थी। बट अभी तक अगर आप अपना करंट सिनेरियो देखोगे तो वो बुक्स बहुत टाइमली अपना पहुंचा रहे हैं, तो काफी इंप्रूव्ड उन्होंने अपना जो डिलीवरी सिस्टम है बुक्स का वो काफी अच्छा कर दिया। तो अभी तो हार्डली स्टूडेंट्स को मतलब हफ्ते के अंदर अंदर अपना बुक्स डिलीवर हो जाती है, तो वो चीज मुझे ठीक लगी। मतलब मेरे टाइम पे मेरे को थोड़ा सा डिले हो गया था। और उसके बाद मैं कहूँ तो देखो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है हमारे उसमें पूरे ऑनलाइन एजुकेशन में एमएटी में, तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस को देख सकते हो। और हमारे असाइनमेंट्स भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं कह सकते, ऐसे को ईजी नहीं कह सकते, मतलब मॉडरेट लेवल की सारी पढ़ाई है। तो अगर आप अपना वर्किंग प्रोफेशनल भी हो ना तो आप अपना आराम से अपना पूरा कोर्स एंजॉय कर सकते हो, पूरा कोर्स अपना
अच्छे से अपना परस्यू कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी नहीं है और अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, तो आप अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी अपने पोर्टल को लेक्चर, अपना पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। और हमारे पास बुक्स भी आती हैं घर पर, एंड हमारे पास प्रॉपर हमारी स्टडी किट आती है, स्टडी किट की मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, तो आप वो वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो स्टडी किट हमारे पास, हमारा प्रॉपर बुक सेट आता है और किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, तो ये चीज भी एक अच्छी पॉइंट है आप कह सकते हो, जो अच्छी चीज मुझे लगी। और सारे सेमेस्टर की बुक्स हमारे घर पर ही कोरियर करवा दी जाती हैं एट आर डोरस्टेप, तो हम अपना बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। एंड हमारे लेक्चर्स पे तो हमारे जो हमारा पोर्टल है वहां पर तुम्हारे लेक्चर्स होते ही हैं ऑनलाइन। एंड ब्रांड नेम तो यूनिवर्सिटी का है ही यार, एमिटी काफी अच्छा ब्रांड नेम है, तो आप अपना कंसिडर कर सकते हो। गुडविल मार्केट रेपुटेशन वाइज भी मुझे ब्रांड नेम अच्छा लगा एमिटी का, तो मैंने अपना इसलिए अपना एमिटी कंसिडर करा। और एक और पॉइंट, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड मैं दिल्ली में हूँ करेंटली, तो दिल्ली में रहते रहते मतलब मेरे को अपना एमिटी में एक अच्छा ऑप्शन लगा। और आपको पता है एनसीआर में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो उनके लिए तो एमिटी एक अच्छा ऑप्शन है ही, और नियर बाय भी है, अगर कोई भी इशू होता है तो हम अपना कैंपस में विजिट कर सकते हैं। तो उसमें मतलब मेरे नियर बाय के करके भी मैंने अपना एमिटी अपना चूज करा था। बाकी अभी मेरे एग्जामिनेशन गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, अगर मैंने एग्जाम रिव्यू भी डाल रखा है तो आप वो वाली वीडियो को भी देख सकते हो। तो एग्जामिनेशन के रिव्यू, एग्जाम अगर कोई पूछोगे ना कि मतलब बहुत ज्यादा टफ आते हैं, देखो ठीक ठाक एग्जाम आते हैं अगर आपने बुक्स पढ़ रखी है, मैंने वो वाली वीडियो में भी बता रखा है, अगर आपने बुक्स पढ़ रखी है। लेक्चर्स तो देखो मैंने पढ़े ही नहीं तो मैं ऐसे कैसे बताऊं, तो अगर आपने बुक्स अपना डेली बेसिस पे अगर एक एक घंटा भी अपना डिवोट करते हो ना, एग्जाम्स ठीक ठाक आते हैं, इजी आते हैं, मैं कहूंगी इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। आपका एग्जामिनेशन एसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। एंड एग्जामिनेशन हमारे ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन हमारे ई प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, हमारे सामने प्रॉक्टर होता है जो कि हमारे 2 घंटे का हमारा एग्जाम होता है, तो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस वो ऑनलाइन ही हमारा इन्विजिलेट करता है, हमारा कैमरा ऑन होता है हमारे लैपटॉप पे। तो बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो को चेकआउट करो, मैंने एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस बता रखा है, मेरी एग्जाम रिव्यू वाली वीडियो आप देख सकते हो। और मुझे एमिटी में एक सबसे 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 अच्छी बात जो मुझे लगी ना, जिस चीज के करके मैंने यहाँ पर एडमिशन लेना अपना प्रेफर करा, वो था इनका ऑफलाइन टच। एमिटी में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप जानते हो कि हमारा पूरा ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बावजूद भी ना हमें, मेरे को मतलब पर्सनली कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट ऑनलाइन के बावजूद भी मतलब इतना बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अगर हम रेगुलर में जाओगे, आपको पता है कि रेगुलर की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट हमारी एमिटी में मतलब ऑलमोस्ट हमारा हाफ टू हाफ बजट पे हमें ऑफलाइन टच देखने को मिलता है। एंड ऑफलाइन टच का मतलब है यहाँ पर हमारा जो ओरिएंटेशन होता है स्टार्टिंग में, तो हमारा वो बकायदा नोएडा कैंपस में होता है जहां पर यूनिवर्सिटी है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे पास ऑफलाइन ओरिएंटेशन का बेनिफिट है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है बेसिकली, तो वहां पर हम अपना कैंपस में विजिट करके स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम अपना फैकल्टीज के साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। एक मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ हमारे पास एक ऑफलाइन का टच आ रहा है, तो वो मुझे काफी इंप्रेसिव चीज लगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनकी कॉन्वोकेशन है, जो हमारा 2 साल का जब कोर्स खत्म होगा, जब डिग्री सेरेमनी होती है, तो प्रॉपर कॉन्वोकेशन भी गाइस वो प्रॉपर हमें अपना कैंपस में जाके होती है, तो मैं पर्सनली उस चीज के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया ऐसे मैं टोपी का ड्रेस होता है सेरेमनी के टाइम पे, तो मुझे वो पर्सनली मेरे को बहुत एक्साइटिंग चीज लगती है, तो मेरे को ऑफलाइन कॉन्वोकेशन का भी बहुत शौक है। तो प्रॉपर अपना यूनिवर्सिटी मतलब मैंने लास्ट अपने काउंसलर से ही अपना मतलब कुछ फोटोज मंगवाई थी लास्ट ईयर की, तो वो फोटोज मतलब इतनी प्यारा डेकोरेशन उनका और सब कुछ उनका सेटअप वेटअप प्रॉपर जैसे सेरेमनी होती है, तो मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और एक और प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, यहाँ पर जैसे हमारे एग्जामिनेशन होते हैं तो हमारे पास एक पीसीपी कंसेप्ट होता है जो होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में ये होता है जैसे हमारे एग्जामिनेशन होते हैं एंड टर्म एग्जामिनेशन के, आप कह सकते हो कि 20 से 25 दिन पहले हमारे पीसीपी कंडक्ट करवाए जाते हैं, हमारे पोर्टल पे हमारी डेट शीट आती है। तो पीसीपी का मतलब है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, विच मीन्स हम अपना कैंपस में जाके अपना फैकल्टी से फेस टू फेस इंटरेक्ट करके अपने जो भी हमारे डाउट्स रहते हैं ड्यूरिंग दी कोर्स, जो भी हमारे पास अपना एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, तो हम अपना फैकल्टी से फेस टू फेस इंटरेक्ट करके इन कैंपस अपना क्लियर करवा सकते हैं। तो ये चीज है, एक डाउट क्लियरिंग सेशन आप कह सकते हो, फेस टू फेस जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन है वहां पर उस चीज की फैसिलिटी है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। सनी ये जो मैंने ऑफलाइन टच आपको बताया है ना, जो जो चीजें मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस करी कि एडमिशन मुझे लेना चाहिए इसमें, और मुझे पर्सनली मतलब जहां तक मैंने अपना रिसर्च करा था बाकी सब यूनिवर्सिटीज में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी ऐसे, तो मतलब बाकी सब यूनिवर्सिटीज में मुझे पर्सनली ऐसा लगा नहीं कि किसी में ज्यादा ऑफलाइन टच है, तो मुझे ऑफलाइन टच भी चाहिए था, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब ज्यादा अपना ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ूंगी ना तो मैं कभी बोर हो जाती हूँ, तो
मुझे ज्यादा बोर नहीं होना था उस चीज में कि मैं सारा सारा दिन ही घर पर बैठ के और अपना ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाई करूं, तो मुझे बीच बीच में थोड़ा सा ऑफलाइन टच भी चाहिए था कि जैसे मैं अपना कैंपस जाऊं, घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा मतलब कैंपस देखेंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। तो उस चीज के लिए मैंने अपना एमएटी को कंसिडर करा। तो अब अगर आपका इस चीज के लिए भी इंटरेस्ट है तो आपको मेरे हिसाब से तो फिर एमएटी कंसिडर करना चाहिए। अगर आप अपना ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ कुछ कुछ परसेंट अपना ऑफलाइन टच भी चाहते हो ना, देन एमएटी विड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड कमिंग टू द प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स के ऊपर मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि प्लेसमेंट्स के ऊपर कोई बात हो। तो गाइस प्लेसमेंट्स के ऊपर देखो, मैं यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर बात करूंगी, मैंने अपनी सारी वीडियोस में बता रखा है। यहाँ पर जो प्लेसमेंट उनका प्लेसमेंट असिस्टेंस है 101% प्लेसमेंट असिस्टेंस है। यहाँ पर प्लेसमेंट्स हमारा वीकली वर्चुअल जॉब फेयर्स के थ्रू अपना कंडक्ट करवाई जाती है। वीकली वर्चुअल जॉब फेयर्स मीन्स हमारा वीकली हमारा पोर्टल पे हमारी वैकेंसीज आती है, जहां पर हमारा अमीगो पोर्टल होता है, तो हमारे पोर्टल के ऊपर ही हमारा ऐसे बैनर फॉर्मेट में ना हमारे पास अपना वैकेंसी शो हो जाती है कि अभी करंटली इस अपनी कंपनी के लिए अपनी हायरिंग चल रही है। तो हम अपना उसी पोर्टल पर अपना अप्लाई करना चाहें तो हम अपना कर सकते हैं। बाकी मैंने प्लेसमेंट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप मेरे आई बटन में चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने प्लेसमेंट्स के ऊपर छोटी सी छोटी बात डिस्कस कर रखी है। एंड अभी तक जो भी हमारे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आई है, जो भी प्लेसमेंट्स रिलेटेड छोटी सी छोटी बात मैंने वो वाली अपना वीडियो में डिस्कस करी है, तो प्लीज प्लीज वो वाली वीडियो को चेकआउट करना अगर आप अपना न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप अपना एडमिशन के लिए सोच रहे हो। और प्लेसमेंट्स के लिए देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, वीकली जैसे मतलब प्रॉपर लिखा है ना वीकली, तो देखो आप वीकली एक्सपेक्ट मत करके चलो, ठीक है। आप वीकली मेरे को मतलब पर्सनली ऐसा लगता नहीं कि वीकली होती है, वीकली आपने कह सकते, वीकली बेसिस पे नहीं होती कि हर हफ्ते हो रही है, सेम डे पे कुछ कंडक्ट हो रहा है। वीकली आपने कह सकते, आप कह सकते हो कि 10 से 12 दिन या 15 दिन, मतलब 15 दिनों में आप एक बार ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपको अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही, अच्छी है, डिसेंट है, मतलब एक ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे मैं कहती हूँ बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बट आप इतना भी एक्सपेक्ट मत कर आना कि आपको हर हफ्ते में दो वो प्लेसमेंट्स मिलेंगी। एंड मैं आपको पहले बताती हूँ कि अगर आप अपना ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहे हो ना, इस मेंटालिटी से किसी भी यूनिवर्सिटी में हमें नहीं जाना कि आप 100% उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आप अपना इस मेंटालिटी से आ रहे हो ना कि नहीं भाई हम तो 100% यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड है, हमारा तो अब यूनिवर्सिटी बेड़ा पार कराएगी, तो देखो इस चीज में आप गलत हो। आपको यूनिवर्सिटी में बिल्कुल आना है, उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस दे, बट आपको 100% डिपेंड नहीं होना उस वाली यूनिवर्सिटी पे। आपको अपने साइड से भी अपना बेस्ट करना है, आप अपने साइड से भी एफर्ट्स डालो कि आपको कोई जॉब मिले या फिर आपको कोई प्लेसमेंट्स के लिए आप खुद भी थोड़े एफर्ट्स करो। लाइक आपको इंटरनेट पे यार सेवरल ऑप्शंस है हमारे पास, लाइक naukri.com, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ अपनी, अपना जॉब पे जो हमारे कुछ पोर्टल्स होते हैं, naukri.com हो गया या indeed.com हो गया, तो हमारे पास हमें काफी सारे जॉब पोर्टल्स हैं, तो हमें अपना खुद से भी ट्राई करना है। तो ये नहीं है कि आप अपना कोई ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहे हो तो बिल्कुल उसी प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो इस मेंटालिटी से मत आना। यूनिवर्सिटीज जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो बिल्कुल अपना बेस्ट करती हैं आपको प्लेस करवाने में। बाकी देखो एट दी एंड डिपेंड करती हैं आपकी स्किल्स, आपका पोटेंशियल एंड आपका कैलिबर। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, तो नो मैटर व्हाट कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपना परस्यू कर रहे हो, फॉर श्योर आपको प्लेसमेंट मिलेगी। बट आपको अपनी साइड से भी एफर्ट्स करने हैं एंड मेक श्योर कि अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए अपना बेस्ट टू बेस्ट करो, अपने ऑनलाइन कोर्सेज करो, अपने ऑनलाइन जगह पर अप्लाई करो, अपने डिफरेंट इंटरव्यूज दो, क्योंकि आप जितने ज्यादा आप अपना इंटरव्यूज में अपियर करोगे ना, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मेन गेम है प्लेसमेंट्स की। एंड कुछ मैं इंपॉर्टेंट सजेशंस की अगर मैं बात करूं, तो गाइस अगर आप अपना एडमिशन लेने का सोच रहे हो जिस भी यूनिवर्सिटी से, तो मेक श्योर कि जिस पर्सन के साथ अपना प्रोसीड करो, मेक श्योर कि वो वेरीफाइड पर्सन हो, एंड मेक श्योर कि आपका जो काउंटर है वो आपके पोस्ट एडमिशन प्रोसेस में भी आपके लिए सपोर्टिव हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो सपोर्टिव नहीं होगा या फिर अगर आपको जैसे मतलब आगे कुछ इश्यूज होंगे, तो आपके लिए फिर आप ही उस चीज के लिए सफर करोगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी एस्पेक्ट में कोई डाउट है या किसी भी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप पे मेरे को पिन करो। एंड इसका व्हाट्सअप का चैट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको किसी भी एस्पेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है या फिर किसी भी टाइप का आपको एडमिशन हेल्प चाहिए, तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपने सर का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था, एंड एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी स्मूथ इन माय केस। एंड सर बहुत सपोर्टिव भी हैं, तो सर आपको सारा प्रोसेस गाइड करवा देंगे। एंड अगर आप अपना एमएटी में इंटरेस्टेड हो, तो एमएटी में तो मैं आपको अपने सर का ही कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। एंड इनकेस अगर आप अपना एमएटी के अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपना डिस्कस करना चाहते हो, मुझे बता देना, मैं आपको वहीं के एडमिशन मैनेजर के साथ भी कनेक्ट करवा दूंगी, अकॉर्डिंगली अपना
कनेक्ट कर सकते हो उनसे। एंड अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, हैव आई गॉट प्लेस टिल नाउ। आपको जैसे कि बताया कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हमें मिली हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, मैंने काफी वीडियोज में बता रखा है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। मेरा ऑलरेडी बिजनेस है ऑनलाइन में, एंड मेरे डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस है, एंड मैं अपना ग्राफिक डिजाइन भी साथ साथ कर रही हूँ, एंड साइड बाय साइड मेरा MBA चल रहा है, एंड साइड बाय साइड मेरा YouTube चैनल चल रहा है। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब मेरे को अभी फिलहाल प्लेसमेंट्स की नीड नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स। तो मुझे पता है कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि नहीं भाई लास्ट में बताया, बट ये तो यार ये फैक्ट है, ये मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियोस में भी बता रखा है कि मुझे फिलहाल अभी प्लेसमेंट्स की नीड नहीं है, और एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल। बट नो वरीज एट ऑल, मेरे को काफी सारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आए हैं, अभी मैंने फिलहाल अभी प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे पर्सनली अभी नीड नहीं है प्लेसमेंट्स की। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि मैंने अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू काफी हद तक बता दिया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मेरे सर का या फिर कोई भी एडमिशन हेल्प या कोई भी और क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे चैट, जो मेरा चैट लिंक आपको दिख रहा है नीचे, तो आप उस पर क्लिक करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आई विल हेल्प यू टू प्रोसीड। सो दिस इज फॉर द डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी प्लीज मुझे कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक इट। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।